हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आज जो है दिन है वो शनिवार है और तारीख है 15 तारीख, यानी कि मकर संक्रांति है आज। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। भगवान करे, सूर्य नारायण करे कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और मैंने अपना ब्लॉग जो है वो क्लीनिंग से स्टार्ट कर दिया है। आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने मॉर्निंग का कोई भी रूटीन शेयर नहीं किया है। इसकी वजह है कि बच्चों का क्लास चलता है और पूरा दिन जो है वो क्लास में ही बीत जाता है। नेट भी नहीं बचता है कि मैं कोई वीडियो अपलोड कर पाऊँ, तो इसी वजह से ना रिकॉर्ड करती हूँ ना ही अपलोड कर पा रही हूँ। तो आज जो है बच्चों की छुट्टी थी और सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लूँगी और संडे के दिन जो है वो अपलोड कर दूँगी। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है और अभी मैं किचन साफ़ कर लूँगी। वैसे तो रात को मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि रात को बर्तन आलस आता है बर्तन साफ़ करने में। तो आज रात को मैंने नहीं किया था, थोड़ा सा छोड़ दिया था। जब हम लोगों ने खाना खाया था वही बर्तन थे, और जो रात को रोटी बनाई थी वो मतलब जिसमें मैं आटा लगाती हूँ वो तसला था और मतलब ये तावा था। तो ये सब भी मैं क्लीन करके लगा दूँगी स्टैंड में, फिर सिंक साफ़ कर लूँगी और किचन भी जो है वो क्लीन हो जाएगा। और अब मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी और पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए और चाय चढ़ा दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में चाय मैं जब घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ तभी पीती हूँ, और कभी कभी तो पीती भी नहीं हूँ, जब तक पूजा नहीं करती हूँ तब तक नहीं पीती हूँ। पर आज जो है ठंड ज़्यादा थी तो इसकी वजह से मैंने बना लिया चाय कि चलो सफाई करने के बाद पहले मैं 1 कप चाय पीऊँगी, उसके बाद से फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो पानी भी लगा दिया है कि गर्म हो जाए, जब तक मैं पोछा लगाऊँ तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं छवि को नहला दूँगी और रुपेश तो खुद से नहा लेगा। तो अभी देखिए मैं पूरे घर में जो है वो पोछा लगा लेती हूँ, गलियारे वगैरह सब जगह में। और सैटरडे था तो इसलिए मैंने आज के पानी में जो है वो सेंधा नमक डाल के पूरे घर को क्लीन किया है, यानी कि पोछा लगाया है। मैं हर सैटरडे को सेंधा नमक डाल के ही मतलब पोछा लगाती हूँ। तो पोछा भी लग गया है, छवि को मैंने नहला दिया है। तो ये देखिए अभी छवि का हेयर मैं कॉम्ब कर रही थी, छवि को रेडी कर लूँगी उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। और रुपेश नहाने चला गया था और हस्बैंड भी अभी जाएंगे, वो फ्रेश होने के लिए गए हुए हैं। जब फ्रेश होके आएंगे तो वो भी नहा लेंगे, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ सब सुबह सुबह ही नहाते हैं। और ये देखिए छवि रेडी हो गई है, तो कुछ इस तरह से मैंने खिचड़ी के दिन अपने बच्चों को रेडी किया था। ये रुपेश भी रेडी हो गया है और बहुत खुश था, क्योंकि पतंग उड़ाना था ना इसे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा फेस देखिए कितना फूल गया है। और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो आपने कब बनाई खिचड़ी, हमारे यहाँ बोली जाती है, तो खिचड़ी आपने किस दिन बनाई मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं तो आज सेलिब्रेट कर रही हूँ 15 जनवरी को, तो वहाँ देखिए पूजा वगैरह हो चुका है और हम सब लोगों ने नहा भी लिया है। और ये वाली साड़ी मैं पहनी हूँ और बच्चे यहाँ पे देखिए रुपेश पतंग दिखा अपना, तो ये देखिए पतंग दिखा दो रुपेश अपना पतंग दिखा, देखिए रुपेश पतंग लेकर आया है ना कि मतलब उड़ाने के लिए, देखिए ये मांझा पतंग सब लाया उड़ाएगा। तो अभी हम लोगों ने नहा लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा छूने के लिए। हमारे यहाँ सबसे पहले नहाने के बाद सीधा छुआ जाता है और गंगा जल से नहाया जाता है। वैसे तो गंगा जी जाके हमें नहाना चाहिए था, पर हम लोग गंगा जी नहीं जा पाए, तो गंगा जल डाल के हम लोग स्नान किए हैं। और यहाँ देखिए मतलब जो सीधा छूना है वो मैंने यहाँ तैयारी कर ली है, तो अभी मैं बच्चों को और खुद भी सीधा छू लूँगी। और हस्बैंड अभी नहाने गए हैं, नहा के आएंगे तो उनको भी मैं सीधा सुना दूंगी, उसके बाद से फिर चूड़ा दही सबको खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बच्चे अभी नहा के रेडी होके आ गए थे, तो उनसे मैं जो अन्न होता है वो मैं उनसे मतलब दान करवाऊंगी, तो वही बच्चे छू रहे हैं। उसके बाद सारा मैं एक प्लास्टिक में रख दूंगी और जब हस्बैंड भी छू लेंगे तो मैं सारा, आज नहीं सैटरडे है इसलिए आज नहीं भेजूंगी, संडे को मैं भेज दूंगी सारा जो ये अनाज है और ये जो पट्टी वगैरह रखी हुई है गुड़ की। तो अभी देखिए सारे मैं इस प्लेट में निकाल के सभी से छुआ के फिर उसे एक बड़े से थैले में मैं डाल दे रही हूँ सारा। फिर बस हस्बैंड का मतलब हस्बैंड बस छुएंगे, बाकी सब ने तो छू लिया है। फिर मैं आ जाती हूँ चूरा मटर की तैयारी करने, जिसके लिए मैंने तेल गरम कर दिया है। फिर इसमें मैंने जीरा डाला है 1/2 चम्मच, उसके बाद हरी मिर्च और प्याज डाला है। जब प्याज भून जाएगा तो इसमें मटर के दाने डाल दूंगी। आप जितना खाते हो उस हिसाब से मटर के दाने डालिए, मैं तो
ज़्यादा नहीं बना रही थी क्योंकि बच्चे चूड़ा दही खाए थे, और हस्बैंड के लिए बना रही थी क्योंकि उनका जो तबीयत है थोड़ा सही नहीं है, खांसी आ रही है, तो वो दही चूड़ा ज़्यादा नहीं लेंगे, इसलिए मैं उनके लिए चूड़ा मटर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने नमक हल्दी डाल दिया है और इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी जब तक कि मतलब मटर का जो दाना है वो सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक के लिए। बच्चे चूड़ा दही खा रहे हैं और यहाँ मैं मटर चेक करने आ गई हूँ। मटर सॉफ्ट हो गया था तो मैंने फूला हुआ चूड़ा डाल दिया है, यानी कि पहले इसे पानी से मैंने धो लिया था, अभी ये फूल गया है। और इसमें मैं भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दूँगी और हरी धनिया डाल दूँगी, फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये आप तो जानते ही होंगे। माधो नहीं अलग होगा हमसे, कन्नी बांध रहा है। और यहाँ पे जो चूड़ा मटर है रेडी हो गया है और अभी हस्बैंड भी आ जाएंगे नहा के, तो मैं खिचड़ी के लिए देखिए चावल चुन रही हूँ और सब्जी मैंने कट कर ली है और मसाला भी मैंने पीसने के लिए रेडी कर लिया है, सब्जी कट हो गई है। देखिए गोभी जो है गोभी भी बॉयल हो गई है, तो देखिए वो हस्बैंड अभी खड़े हैं, कब वो जाते हैं नहाने के लिए, उन्हीं का लेट है, जब वो नाश्ता कर लेंगे तो मैं खिचड़ी बनाना शुरू कर दूँगी। और बच्चों का त्यौहार है, इंजॉय करेंगे पतंगराज, शायद मैं सूट ना कर पाऊँ क्योंकि बच्चे जो है ना वहाँ फील्ड में, जो फील्ड मैं आपको दिखाई हूँ मेरे मतलब जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं वहाँ बहुत बड़ा मैदान है, आप मेरी सभी वीडियो को देखे होंगे तो आपको फील्ड दिखा होगा, तो आज सारे बच्चे उसी फील्ड में जो है डीजे वगैरह लगा है वहाँ पे सब पतंग उड़ाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों की तैयारी चल रही है, वहीं पे जाके पतंग उड़ाएंगे, तो मैं वीडियो वहाँ नहीं बना पाऊंगी इसलिए यहीं पे दिखा दे रही हूँ आप लोग को कि बच्चे जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, चाय जो है वो ठंडा हो रहा है। और आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चूड़ा मटर, दही चूड़ा और बादाम पट्टी खा लीजिए। और तिल पट्टी मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे तिल का लड्डू बनाना है गणेश चौथ पे, इसलिए मैंने सिर्फ बादाम पट्टी लिया था। और फिर आ जाती हूँ नाश्ता करने के बाद किचन में, यानी कि खिचड़ी बनाने की तैयारी करने। तो मैंने दिखाया था आपको कि गोभी जो है वो बॉयल करके मैंने रख दिया था, तो उसे अभी भून लेती हूँ। इस वाले पतीले में मैं खिचड़ी बनाती हूँ, हर साल मैं इसी पतीले में खिचड़ी बनाती हूँ, तो क्योंकि ज़्यादा बनता है और ये बड़ा बर्तन है तो इसमें आसानी से बन जाएगा। और देखिए गोभी जो है वो भून गई है, तो इसी में सारे गोभी को निकाल लूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा और तेल डालूँगी सरसों का, उसमें फिर मैं तड़के के लिए तेज़पत्ता डालूँगी और कुछ खड़े जो है मसाले हैं, जीरा, गोलमरिच, धनिया, लौंग, इलायची, ये सब थे। तो जब वो भून जाएंगे तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है कि जब तक प्याज में से खुशबू ना आने लगे। तो अभी देखिए जो प्याज है वो भून गया है, तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसालों में मैंने लिया था अदरक, लहसुन, हरा लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, यही सब मैंने पीसा है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी बस रूटीन मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। नमक मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे अभी खिचड़ी बनानी है तो चावल भी डालना है, पानी काफ़ी मात्रा में जाएगा, तो इसी वजह से मैंने नमक पहले से ही ज़्यादा ले लिया है। और यहाँ देखिए मसाला जो है वो भून के रेडी हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी। अभी मैं आलू डालूँगी, गोभी मैं लास्ट में डालूँगी बाद में, तो अभी आलू सारे डाल दूँगी। उसके बाद आलू को अच्छी तरीके से मतलब मसालों में मिक्स कर दूँगी और बस एक दो मिनट तक ही इसे भूनूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी चावल और उड़द की दाल जो मैंने पहले से ही धुल के रख लिया था, और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ सारा चावल और उड़द का दाल। फिर उसके बाद से इसे मैं बस दो मिनट भूनूँगी, उसके बाद से फिर मैं इसमें काफ़ी सारा मतलब पानी डाल दूँगी क्योंकि खिचड़ी है, खिचड़ी में पानी सोखता है, तो मैंने एक डेढ़ जग पानी डाला था, पूरा एकदम फुल था, अभी आप देख सकते हो। तो अभी मैं इसमें और पानी डालूँगी, अभी तो मैं मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसमें मटर डाल दूँगी और कवर करके इसे रख दूँगी। फिर देखिए जब इसमें उबाल आ जाएगा तो बस इसे ऐसे लो फ्लेम पर चला चला के बस इसे खिचड़ी को बना लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने गोभी भी डाल दिया है इसमें और खिचड़ी जो है थोड़ा सा पक चुका है, बस 10 मिनट का और कसर बाकी है, उसके बाद से खिचड़ी जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
और यहाँ पर दही बड़ा के लिए मैंने बड़े छान लिए हैं और इस दही के पानी में मुझे डिप कर देना है सारे बड़े को। और इस पे मैंने चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक सब डाल दिया है। और सिर्फ मैं ही अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी नहीं पसंद है, हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, तो उन्हें मैं बड़े दे दूँगी। और सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाया है। और ये नमक वाला बड़ा था, ये मतलब मीठा बड़ा नहीं था। मीठा बड़ा कभी बनाऊंगी तो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये ऐसे ही मैंने बस थोड़ा सा खाने का मन हुआ तो मैंने बना लिया अपने लिए। और ये जो पकौड़े निकाल रही हूँ बड़े के, तो ये सारा जो पकौड़े हैं ये बच्चे और हस्बैंड खाएंगे, तो अभी मैं इन सबको निकाल देती हूँ। और आ जाइए फ्रेंड्स खिचड़ी खाने के लिए। और खिचड़ी है, बड़ा है, चटनी है, सलाद है, पापड़ है, बड़े के पकौड़े हैं। तो बड़ा ये नहीं खाएंगे, ये मैं ही खाऊंगी, बस थाली में लगा दिया था क्योंकि आप लोग को इनवाइट करना था। तो अभी देखिए हम लोग खा लेते हैं। और बच्चे जो हैं वो भी बगल में बैठे हैं, रुपेश पतंग उड़ा रहा है, वो जब आएगा तो खा लेगा, पर छवि खा रही है हमारे साथ ही। तो अभी हम जो है लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद से क्लीनिंग का काम होगा, जैसा कि गैस वगैरह जो गंदा हुआ है वो सब मैं साफ़ कर लूँगी, और बर्तन जो है वो बर्तन भी मैं वॉश कर लूँगी सारे बर्तन को। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।